छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के छिंदिया गांव को पुरस्कार मिलने से जिले समेत पूरे ग्राम पंचायत में खुशी का माहौल है। पहले इस गांव में खेती करने के लिए गर्मी के मौसम में किसानों को पानी नहीं मिल पाता था, पर अब इस गांव में इस क्षेत्र के नदी नाले और कुएं पूरी तरह से लबालब है, जिसकी वजह 2018 से जल संरक्षण के क्षेत्र में यहाँ काम ने जो रफ्तार पकड़ी उसका असर दिखने लगा है। रामानुज नगर ब्लॉक में छिंदिया गांव के आसपास लगभग 17 किलोमीटर का नाला है रंपा नाला, उसके पुनर्जीवन का काम शुरू किया था, जिसके तहत विभिन्न स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया। परिणाम यह है कि जहां पर पहले 5 एकड़ हम खेती कर पाते थे और एक फसली खेती कर पाते थे, आज हम 150 एकड़ से ज्यादा खेती कर पा रहे हैं। हम लोग के लिए जनरल के लिए अवार्ड मिला है, जो की हम लोग के किसानों को बहुत ही मतलब पहले पानी के वजह से बहुत ही कम खेती हो पा रहा था, और उसके वजह से आज अभी जो बना है जनरल, उसके मतलब जब से बना है तब से हम भरपूर खेती कर रहे हैं और बहुत ही फायदा उठा रहे हैं। इसके पहले इस क्षेत्र में किसान 5 एकड़ में खेती कर पाते थे, लेकिन अब 130 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित खेती हो पा रही है। वाटर लेवल भी रिचार्ज हुआ है और आजीविका के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला है। 17 एकड़ के रंपा नाला में अलग अलग डैम की संरचना अद्भुत है। नरवा जो हमारे शासन की फ्लैगशिप योजना है, उस योजना के तहत बड़े पैमाने पे कार्य स्वीकृत किए गए थे समय समय पे, जो लगभग वर्ष 18-19 से प्रारंभ हुए थे और अभी तक अनवरत चल रहे हैं। उन कार्यों के अच्छे क्रियान्वयन के फलस्वरूप, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया, LBCD स्ट्रक्चर्स, गेबियन, स्टॉप डैम, चेक डैम, ऐसे कई स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया, और न सिर्फ निर्माण किया गया बल्कि उससे सिंचाई क्षमता में बहुत बड़ी तादाद में वृद्धि हुई। करीब 130 हेक्टेयर अगर हम बात करें एरिया सिंचित हुआ, जिस क्षेत्र में रबी की फसल तो छोड़िए खरीफ की फसल में भी समस्या आने लगती थी, आज उस क्षेत्र में दो फसली फसल लेने का कार्य हो रहा है। छिंदिया ग्राम पंचायत ने जल संरक्षण के क्षेत्र में जो तरक्की की है वो बाकी गांवों के लिए प्रेरणा बन रही है। आज यहां किसानों की समस्या तो दूर हो ही गई है, विकास के भी नए दरवाजे खुल गए हैं। नाला पहले सूख गया था और आज नाला में गेबियन और बोल्डर चेक स्टाफ डैम बनने से जल का स्तर ऊंचा हो गया है। पहले सूख जाता था, पहले बोड़ी के बांध से किसान लोग बांध के थोड़ा मोड़ा अपना खाने के लिए खेती किया करते थे, और आज स्टाफ डैम गेबियन बोल्डर चेक बनने से किसान भी खुश हैं और खेती भी कर रहे हैं। पहले तो भाई पानी का समस्या ज्यादा होता था, कहीं कहीं पर पानी नहीं था तो कहीं पानी था, तो अभी तो कुछ जगह में पानी भी हो गया तो उसमें खेती करने में थोड़ा आसानी हो रहा है। कई मापदंडों पर सूरजपुर के ग्राम छिंदिया को जल संरक्षण के क्षेत्र में खरा पाया गया। वाटर रिसाइकलिंग, सीवरेज प्रणाली प्रबंधन जैसे तमाम घटकों का काम भी यहां दुरुस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।